हम कानूनी चाराजोई करेंगे और इंशाल्लाह गिरफ्तार नहीं होंगे। कल आम नेशनल पार्टी की जानिब से आल पार्टी शामिल बुलाई गई थी, पाकिस्तान ने साथ को दावत दी गई थी, शिकस्त से इनकार कर दिया, क्या वजह है यार? मुझे मालूम नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक तो हमने इनको असद कैसर साहब को नॉमिनेट किया था कि वो पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और बज़ाहिर असद कैसर साहब ने जाना था, फिर पता नहीं मेरे इल्म में नहीं है कि वो गए या नहीं गए। सर क्या दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से कोई रब्ता किया गया सार डार की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से? जी नहीं, नाकामी समझे सर। हमने अपना मौकिफ पेश कर दिया है, जो जो हमारी तीन नशस्तें हुई थी उसका निचोड़ हमने इन राइटिंग चीफ जस्टिस के ऑफिस पे भिजवा दिया है। अगर सियासतदान भी फैसला नहीं कर सकता, फैसले होंगे कहाँ सर? हमने पूरी कोशिश की कि किसी नतीजे पे पहुंचे, हमने लचक दिखाई उनके बयानात के बावजूद, घर पे धावा बोलने के बावजूद, ख्वाजा आसिफ के रवैये के बावजूद, हमने गिरफ्तारियों के बावजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गिरफ्तारियां हुई उसके बावजूद हमने गुफ्तगू जारी रखी, लचक दिखाई कि वो रास्ता निकल सके, लेकिन हकूमत की अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई नहीं है। PMLN भी मुज़ाकरात पर तकसीम दिखाई देती है और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान तो चाहते ही नहीं है मुज़ाकरात हों।